हेलो एवरीवन, मैं वजाद हसन, यानी कि आपका अपना सुनिए। तो दोस्तों, 1 मिलियन स्पेशल प्रैंक कॉल करने की मैं सोच रहा था और मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आया और वो नाम है मिथपैट का, जिनका नाम आप मेरी करियर की, यूट्यूब के करियर की स्टार्टिंग से ले रहे हैं। तो मैंने फाइनली उनको प्रैंक कॉल कर दी है। मैं खुद हंस हंस के लोटपोट हो गया गाइस। और एक बहुत ही कमाल की चीज़ ये हुई कि जब मैंने उन्हें प्रैंक कॉल की, रात के करीब 11:30 बज रहे थे और वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो जो चीज़ मैं आपको ऑडियो सुनाने वाला था वो फॉर्चुनेटली वीडियो में आ गया और आपको आज बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे ज्यादा किस जोक पर आपको मजा आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंजॉय द वीडियो गाइस। और यहाँ पर मिथिलेश भैया, हमारे मिथपैट भैया, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे थे और हमने उन्हें अचानक कॉल किया। देखिए क्या कर रहे हैं ये। हेलो मिथिलेश भैया, नमस्कार। हाय हाय हाय, कैसे हैं आप? कौन बोल रहा है? मिथिलेश भैया, हम राम बिहारी बात कर रहे हैं, पटना बिहार से। निश्चय किसी को नहीं आना। कौन? निश्चय। कौन निश्चय? किसकी बात कर रहे हैं? डूड, ये आवाज लिटरली कैरी मिनाटी जैसे या फिर निश्चय जैसे कुछ, तो मतलब आई डोंट नो, ये भी हो सकता है। कौन चुनौती? हाँ, फूकरा। फूकरा कौन है? कहाँ कर रहे हैं आप? कौन बोल रहा है? अरे आप हमें कहाँ समझ रहे हैं? हम वो नहीं हैं, हम राम बिहारी सब पे भारी बात कर रहे हैं, बिहार में बाहर बा और आपको नमस्कार बा। अरे यू नो व्हाट आई, अच्छा बोलो बोलो बोलो, मैं बाद में बोलता हूँ कौन है। हेलो हाय, बोलो बोलो। पटना से बात कर रहे हैं और हम एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं और हमें आपका जो नंबर मिला है, हम जी मैं वही पूछने आ रहा था, नंबर किधर से मिला? नंबर हमें मिला है कहीं से, हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा डूड, मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है मालूम है? अनीशा हो सकती है, वो बहुत यूट्यूबर्स को प्रैंक कॉल वगैरह करती है। इतने रात को कौन करता है कॉल? आपके यहाँ 11 बजे का रात हो जाती है? हम तो सुने थे बॉम्बे के अंदर तो 2-3-4 बजे तक रात ही नहीं होती है, ससुर की ना आती। हाँ बोलो बोलो बोलो, राम बिहारी जी बोलो जी। तो हम कह रहे थे कि हमारा बिजनेस है यहाँ पर और हम आपसे जो है अपने कुछ जो उत्पाद रहे उनकी थोड़ी मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं। रहे? हम उत्पाद की बात कर रहे हैं, पाद उत्पाद। अच्छा, मुझे मिथपाद मालूम है, उत्पाद नहीं मालूम। नहीं 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 नहीं, हम उत्पाद उत्पाद। हाँ, बोलो उत्पाद, बोलो क्या है आपके उत्पाद? हमें पहले एक बात बताइए, आपने अपना नाम या मेथी पट कहा है को रखा है? देसी पट नहीं है वो, मिथपट है, मिथपट। अरे अभी कुछ सूच नहीं रहा अभी कुछ, क्यों रखा नाम? वो झटपट नाम रखा तो इसलिए मिथपट। हमने भी अपने बच्चों का नाम ऐसे झटपट में रखा था, एक का नाम ललवा है और एक का नाम पिलवा है। अच्छा, अरे कौन बोल रहा है? अरे कसम से हम राम बिहारी बात कर रहे हैं, राम बिहारी सब पे भारी। ये एक्चुअली थोड़ा थोड़ा कैरी मिनट जैसे भी साउंड कर रहा है, तो ये नहीं कैरी तो नहीं हो सकता, बट बोलो आप किसका नाम लिया जा रहे हैं शुरू से, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कैरी मिनाटी नहीं मालूम नहीं, कौन है ये ससुर का नाती बुढ़बा? कौन कौन? ये कोई नाम होगा, ये कोई नाम होगा? कप्पी क्या बोला तू अभी भी? अरे का कैरी हमारे यहाँ पे मिलती है 2 रुपए की, पीता है ना कैरी को। अरे आप, अरे हमें सच में अपने उत्पाद जो है आपसे जो है वो करवाने हैं। रात के तुम लोग को 11 बजे तेरे को उत्पाद याद आते हैं ना? हमारे उत्पाद रात को भी काम करते हैं। बोलो बोलो क्या क्या उत्पाद है बोलो। तो देखिए मेथी भैया, पहला जो उत्पाद रहा वो है चूरन। चूरन? हाँ चूरन, अच्छा चूरन चूरन चूरन, वो ये इसको मिलता है ना, जेठालाल खाता है रोज रात को, दया देती है उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल वही चूरन है, लेकिन जेठालाल खुल के नहीं बताता है, हम आपके मुंह से दुनिया को खुल के सुनवाएंगे कि हमारा चूरन क्या करता है। बताओ बताओ क्या चूरन है और इतना स्पेशल क्या आपके चूरन में? चुलायंस चूरन खाइएगा, हाँ सारी गैस भगाइएगा। अब गैस है ही नहीं ना पेट में, वो प्रॉब्लम है। अरे आपके नहीं है भाई, आपके पेट में नहीं है, आपका पेट उतना बड़ा नहीं होगा, हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े पेट हैं लोगों के। अच्छा
कैसे बनाते, कैसे हो ये चूरन? चूरन के अंदर क्या होता है? वही होती है जड़ी बूटी और क्या होता है। अब हम आपको उसकी वो नहीं बताएंगे, हम मिश्रण नहीं देने वाले हैं। कहीं आपने बना के अपना बेचने लगे अब चुलाएं चूरन। मैं ना कब से सोच रहा हूँ ये कौन हो सकता है। मैं सबके बारे में सोचा, आशीष, भुवन, कैरी, ट्रिगू, ट्रिगर्ड का हो सकता है, स्लीप पॉइंट हो सकती है, I don't know कौन है। अरे आप काहे, पता नहीं काहे, आपको एक नशा तो नहीं किया है? स्लीप पॉइंट मालूम है आपको? स्लीप पॉइंट कौन सा पॉइंट? हमें सुसाइड पॉइंट मालूम है, हमारे पटना में भी है। बोलो बोलो आगे। हाँ चूरन, चूरन है वो, तो एक उत्पाद हुआ ना, दूसरा उत्पाद क्या है? पहले इसके बारे में हम बता तो दें, बहुत सारे लोग आपने देखे, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिन्हें गैस पास नहीं होती है, नहीं होती है ना? हाँ, वही नहीं पौटी होती। पौटी नहीं आती है दो दो दिन तक। हाँ नहीं आती बराबर। आपको भी नहीं आते है? नहीं, मुझे आती है। मैं तो रोज रोज तीन बार। ज्यादा आ रही है, आप चूरन से दूर रहिएगा। तो क्या चालू है, कोई बताएगा प्लीज? अरे हम आपको बता रहे हैं, आप किसी और से काहे पूछ रहे हैं? आप कोई नशा करके बैठे हैं हमें लगता है। आप तो जब से कॉल शुरू हुई है हम आपको पैसे देने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं प्रोडक्ट भेज दो मेरे घर पे, मैं रिव्यू कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। वीडियो में भी डालने का है? कैसे ही वीडियो में डालू, खाऊ खाता हूँ चूरन और फिर आगे का दिख जाएगा। खाया आपने? खाया तो भागते फिरेंगे, तीन बार की जगह छह सात बार जाएंगे। हाँ मैं फिर वो 30 सेकंड में नहीं होगा ना एडवर्टाइज यूट्यूब पे जी। अच्छा हमारा अगला उत्पाद सुनिए। हाँ, बोलो, सोने बोलो। की सोने की कमर पेटी। चिड़िया, सोने की चिड़िया? अरे नहीं भाई आप। हाँ, है सोने की कमर पेटी। सोने की कमर पेटी? अरे वो कमर पेटी वो होती है ना, बेल्ट। क्या बेल्ट? कमर बेल्ट, 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 बेल्ट बोलना फिर। अच्छा हाँ, सोने की कमर पेटी। हाँ जी, पर इसमें क्या स्पेशल है? इसमें ये रहता है कि जो पेट पे लगाता है उसकी चर्बी खत्म हो जाती है। ये मैं बचपन में वो इसमें देखता था, एडवर्टाइजमेंट में वगैरह देखता था। वही है, तभी तो आपसे करवा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। ये पहनिए और 5 किलो कम हो जाता है, फिर ऐसा वो लोगों से वो हाँ। पसीना भी आता है ऐसे मुंह से। पर ये सोने से, मतलब सोने से बनाई हुई है? नहीं नहीं, वो सोना, सब लोग उसको सोना ही कहता है ना, सोने की बेल्ट, सोना बेल्ट, सोना बेल्ट। हाँ अच्छा 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 जी। हाँ, बराबर या मालूम है, मालूम। सोना, सोना, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। सोना होता है, अच्छा। बहुत सस्ती है, 70 रुपए की तीन है। 70 रुपए की क्या? 70 रुपए की तीन है। चूरन कितने का वो बता, वो सब छोड़ो। चूरन 40 रुपए की दो डिब्बी। 40 की दो डिब्बी और कितना महीना चलेगा फिर? वो तो आपके पेट के ऊपर है, आप कितना हागना चाह रहे हैं। क्या चालू है? ओ गॉड। और जो बेल्ट रही हमारी, इस बेल्ट में आशीर्वाद है। अच्छा आशीर्वाद भी आई ला। हाँ फिर क्या क्या? इसे जो पापी लोग रहते हैं अगर वो लगा लेते हैं तो उनका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। ये ब्रांड ब्रांड नेम है क्या आपका कुछ ऐसा, मतलब? चुलायंस। क्या? चुलायंस। चुलायंस भाई, हमारे हमारे उत्पाद चुल कर देते हैं इसलिए चुलाएं। अरे बाप रे। अच्छा हाँ, नाइस नाइस नेम, नाइस नेम जी। तो हम कह रहे थे कि हमारी जो कमर पेटी रही इसके अंदर आशीर्वाद है। अच्छा पूछेंगे नहीं किसका? किसका? हमरा। तेरे आशीर्वाद से कौन है तू, पहले वो बोल। अब बताया तो हमने आपको, राम बिहारी तब पे भारी। उस दिस ट्रिगर्ड इंसान ने पहना तो क्या होता है फिर उसका? नहीं, कौन से इंसान? जो इंसान पहनेगा उसने अगर पाप किए हैं तो उसका पेट साफ हो जाएगा। अच्छा, और ट्रिगर्ड इंसान? कंधे के बाद सीधा कमर। पापी इंसान पहन सकता है और ट्रिगर्ड इंसान? उसका हमें पाप, कौन सा नाम लिए जा रहे हैं आप? हमें, यार हमें आपको ट्रिगर्ड, आपको ट्रिगर्ड इंसान नहीं मालूम, आपको मैं ये दे सकता हूँ, नया क्लाइंट है ट्रिगर्ड इंसान। तो वो क्या करेगा? उसको भी दे दो चूरन, हम दोनों मिलके प्रमोट करेंगे चूरन को। उसको टट्टे नहीं होते है का? नहीं नहीं होती उसको। हमें लग रहा है आप हमें ना, हमें आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। नहीं लूंगा सीरियसली। कहा है नहीं ले रहे? अरे क्या चालू?
ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं बात नहीं करूंगा, बट मुझे वो बाकी दो चल जाएगा। चूरन तो रोज मैं चूरन में यूज कर सकता हूँ, वो अरे चूरन कहाँ खाएंगे भाई साहब आप एक्चुअली मुझे उसी वो भी नहीं चाहिए, वो मुझे सोना वो बेल्ट भी नहीं चाहिए। हाँ आपके मतलब के नहीं है भाई प्रोडक्ट है। हाँ, ये वो सुनो ना सब... फिर फोन रख दो ना, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप, हम आपको नहीं, हम आपको बेच थोड़े रहे हैं, हमें आपसे बिकवाना रहा। ये कौन से यूट्यूब चैनल पे आने वाला, अभी बताओगे प्लीज? कौन सा यूट्यूब? अरे यार डूड कौन है, अरे बोल रे कौन है, पहचाना ना है का? नहीं नहीं पहचाना। अरे पहचानने की कोशिश तो करो। अच्छा अच्छा रुके रुके, हम बता रहे हैं, हमें आपका नंबर जो दिया है वो ये हमरे जो ये ललवा का बेटा है, ललवा का बेटा कह रहे हैं, हमारा बेटा ललवा, है ललवा का भी बेटा है अहिला, आपका बेटे का बेटा मतलब दादाजी वो। अरे आशीर्वाद, अरे जुग जुग जियो सदा सुहागन रहो। अच्छा, आपके पोते ने नंबर दिया, और पोते का नाम? पोते का नाम है सुनियो, लगा था मुझे एक्चुअली। हेलो मिथिलेश भैया, ये आई न्यू इट, आई काइंड ऑफ न्यू इट। अच्छा, मतलब 7-8 मिनट 10 मिनट के बाद आप कह रहे हो कि आपको पता था, है? नो, बट छोड़ो यार मिथिलेश भैया, आप सुनना, डू यू नो समथिंग, मेरा एक्चुअली अभी रिकॉर्डिंग चालू है। क्या बात कर रहे हो? लाइक बिकॉज आई एम सिटिंग, लाइक मैं यूजुअली रात को बैठता हूँ ना ये वीडियोस रिकॉर्ड करने वगैरह, तो ये सब चीज की वीडियो रिकॉर्ड हो गई है क्या? हाँ पर मैं तेरे को भेज नहीं रहा भाई, प्लीज यार प्लीज भेज देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यार मिथिलेश, ऐसा मत कर भाई प्लीज, ये मेरी प्रैंक कॉल में 4 चांद लग जाएंगे। आई टेल यू, तेरे को इसने निश्चय ने दिया होगा नंबर? नहीं मेरे को निश्चय ने नहीं दिया, निश्चय ने नहीं दिया मेरे को, किसी और ने दिया, लेकिन किसने दिया ये मैं बताऊंगा नहीं। वेट व्हाट, आई डिडंट नो चीता का भी आवाज तूने निकाला था। हाँ मतलब कमाल है यार, मतलब रोज ग्रुप का जो चीता था उसकी आवाज भी मैंने दी थी, जो कजामा था एक सीजन में उसकी आवाज भी मैंने दी थी शिनचान में, एंड बहुत सारे दिए हैं यार, बहुत सारे दिए हैं। ये कौन है टोंगारी? नहीं मालूम मुझे कौन टोंगारी है। कितरेत्सु नहीं देखा वो जो डोरे? हाँ हाँ कितरेत्सु, कितरेत्सु, हाँ, कितरेत्सु, तो हाँ। उसके अंदर भी सुनियो जैसा सेम कैरेक्टर था ना, जो सेम वो, हाँ हाँ या आई नो मैं था रे। अच्छा भाई तेरे को भी बहुत अच्छी आवाज निकालनी आती है शिनचान की, मैंने सुना है और देखा है, सो एक बार अपने शिनचान की आवाज में प्लीज यार, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं जो रुक मैं बोलता कुछ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इनको तो सब्सक्राइब भी कर दो। और अभी रुक मुझे भी सुनना है, रुक किसका मालूम है, सुनियो का ही सुना था एक्चुअली। हेलो मिथिलेश भैया कैसे हो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त सुनियो, तुम्हें पता है मेरे डैड दुनिया के सबसे रईस आदमी है, मैं दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। क्या चेंज किया वो करना एक प्लीज मेरे लिए, जब वो बोलता है ना कि मैं तुम्हें प्लेन नहीं दूंगा, नोबिता को कभी भी बोलता है ना प्लेन या रिमोट कंट्रोल कार नहीं दूंगा, वो करना। अच्छा नोबिता तुम्हें पता है ये प्लेन मेरे डैड यूएस से लेकर आए हैं, पता है ये बिल्कुल नए जमाने का मॉडर्न प्लेन है, ये रिमोट कंट्रोल प्लेन है, लेकिन अफसोस नोबिता ये मेरे पास सिर्फ एक ही है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। डोरेमोन सुनियो हमेशा ऐसे करता है डोरेमोन। हाँ बिल्कुल, अरे वाह भाई, मैं सोच रहा हूँ मुझे भी थोड़ा थोड़ा सुनना है। मैं सोच रहा हूँ तेरा ऑडिशन वहाँ पे बॉम्बे करवा दूँ डबिंग डिपार्टमेंट में। कर, अरे प्लीज करवा दे, एक आज कैरेक्टर मिल जाएगा है, चलेगा। इसका दे दे मेरे को, शिजुका का दे दे, शिजुका भाई मिथिला कर ले पहले, नोबिता। हाँ ऐसे ही आवाज है वाह यार, मैं तेरे को एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। सच में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? इट विल बी फन या। अरे भाई ये तो दिन ही बन गया मेरी, मतलब क्या है आईफोन का कोई फायदा नहीं भाई। अच्छा अब तो मैं उसी को डालने वाला हूँ, बेस्ट हो गया ये तो। सो एक बार अपनी आवाज में भी बोल दे भाई यार, 9 मिलियन के लिए पहले तो बहुत 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 मुबारक हो भाई, जल्दी से अभी वो गोल्ड वो डायमंड प्ले बटन, मैं गोल्ड वाला बंदा हूँ ना, तो डायमंड प्ले बटन आने वाला है यार। हाँ बहुत जल्दी इंशाल्लाह आएगा, बहुत बहुत मुबारकबाद 9 मिलियन के लिए। और अभी मिथ पैट की आवाज में जरा एक बार बोलें सबको सब्सक्राइब करने के लिए, तो मजा आ जाएगा। गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, बहुत फन वीडियो था। एंड क्या अभी निकलते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।